हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलाय में एक्सपोर्ट की सेल्स एंट्री को कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन, सेल, सेल्स जीएसटी पे एंटर करेंगे। एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर देना है। अकाउंट कोड यहाँ पे एंटर की प्रेस करके जिस पार्टी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, जीएसटी इंफॉर्मेशन के सेक्शन में इनवॉइस टाइप यहाँ पे ईएक्सपी यानी कि एक्सपोर्ट्स डाल देना है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ गुड्स हो तो जी और सर्विस के लिए एस एंटर कर देना है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट पोर्ट एंड बिल नंबर यहाँ पे एक्सपोर्ट का पोर्ट और बिल नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट बिल डेट यहाँ एक्सपोर्ट की बिल डेट एंटर कर देनी है। नेक्स्ट, इनवॉइस सब टाइप यहाँ नॉर्मल एक्सपोर्ट्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम SEZ कस्टमर का एक्सपोर्ट का बिल बना रहे हैं तो यहाँ पर SEZ एक्सपोर्ट सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, अगर इनवॉइस में टैक्स ऐड करना हो तो विद ड्यूटी में Y एंटर करना है, और अगर ऐड नहीं करना हो तो यहाँ पे N एंटर करना है। हम यहाँ पे Y एंटर कर रहे हैं, एंटर कर देंगे। डू यू कन्फर्म में यस कर देना है। इनवॉइस में बाकी डिटेल्स को एंटर कर देंगे। यहाँ जीएसटी कैलकुलेशन में टैक्स अमाउंट देख सकते हैं, एस्केप कर देंगे और डू यू कन्फर्म में यस कर देंगे। इनवॉइस सेव हो जाएगा। इस तरह से आप रिलाय में सेल्स एक्सपोर्ट की एंट्री को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।